हे गाइस एंड वेलकम टू ऑल इंडिया फुटबॉल। आज हम बात करने वाले हैं एफसी गोवा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच हुए मैच के दौरान सीवियर इंजरीज के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, सो आज के इस मैच में हमें दो इंजरी देखने को मिला। सो बात करते हैं पहले इंजरी अपडेट के बारे में। रोशर जिला सबसे फास्टेस्ट प्लेयर के रूप में आज दिखे गए थे और उनका काफ़ी बेहतरीन स्प्रिंट भी देखने को मिला था। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि रोशर जिला का परफॉर्मेंस अमेजिंग था। मैच के अराउंड 55th मिनट पे हमें एक इंजरी देखने को मिली। सेवियर गामा और शहनाज सिंह और रोशर जिला के बीच में एक क्लैश देखने को मिला, जिसमें रोशर जिला अपने शोल्डर के ऊपर गिर पड़े। उसके बाद में रोशर जिला की एक्सप्रेशन बहुत ही मायूसी वाली थी और हमें वो रोते हुए भी दिखे। इससे यह पता चलता है कि वो काफ़ी पेन में थे। फील्ड से बाहर जाने के बाद उनका शोल्डर हेविली स्ट्रैप किया गया था। सो मे बी रोशर जिला की इंजरीज सीरियस हो सकती है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट अपडेट, जो कि एक और इंजरी अपडेट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर डेशॉन ब्राउन के बारे में। मैच के 83rd मिनट पे जब डेशॉन ब्राउन स्प्रिंट करने वाले थे, तब उनकी मसल में एक खिंचाव के कारण उन्होंने अपने आप को खुद ही सब्स्टिट्यूट कर लिया और हमें ये भी देखने को मिला कि वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे। डेशॉन ब्राउन रिसेंटली हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस आए थे और हमें आज फिर उनकी हैमस्ट्रिंग में इंजरी देखने को मिली। इससे यह पता चलता है कि डेशॉन ब्राउन कम्प्लीटली हील नहीं हो पाए थे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ये मैच उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एक ही मैच में उनके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी इंजरी सीरियस ना हो और वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि हम उन्हें दोबारा जल्द ही खेलते हुए देख पाएं। क्योंकि अगर ये इंजरी सीरियस होती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को आने वाले मैचेस में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें फिर अपनी टीम में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो आपको क्या लगता है, ये दोनों प्लेयर्स इंजरी से जल्द वापस आ पाएंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करने से आपको इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और र्यूमर्स सबसे पहले देखने को मिलेगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।